दोस्तों नमस्कार, ये यूपीपीसीएस 2020 के लिए साइंस की सीरीज़ है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सभी को डाला हुआ है और ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से देखें। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो वीडियो तक प्लीज़ लास्ट तक अवश्य बने रहें। और अगर जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए इसका, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, पीके एजुकेशन कोर से। वहाँ पर जुड़ेंगे, आपको सारे पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। शुरू करते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो ये है विद्युत धारा नापने की इकाई, एम्पियर है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो हम जानते हैं ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी लोहे में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यता होता है? तो यह होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। एक स्थायी स्थिर बनाए रखने के लिए एक साधन है क्या? तो अगर हम बात करेंगे विद्युत प्रवाह को, टेम्परेचर को, दबाव प्रेशर को, या फिर हीट रेडिएशन को, तो यह सही हो जाएगा टेम्परेचर को। स्थायी ताप स्थिर बनाए रखने के लिए एक साधन है टेम्परेचर। अगला प्रश्न है, माइका है। माइका क्या है? तो माइका को अगर हम देखेंगे, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक या फिर ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। अगर हम देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक। अगला प्रश्न है, यदि साबुन के दो बुलबुले, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है दोबारा भी रिपीट हो जाए। यदि साबुन के दो बुलबुले भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक परख नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटा बुलबुला और छोटा, और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें और देखें, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जो तरल का पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? ये वही रहेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो यह होनी चाहिए, अगर हम बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर 28 की, तो 70 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 70 मीटर। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर फारेनहाइट का तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगना हो जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन डी, 160 डिग्री फारेनहाइट पर। यह भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, वहीं से ये क्वेश्चन लिया है। अगला प्रश्न है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। किसमें किया जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? यह करती है उत्तर की तरफ। किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ ये संकेत करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, तावे के तार को गर्म करके अगला प्रश्न कह रहा है कि तावे के तार को गर्म करके, ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई, बात कर रहे हैं निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? यह होती है रेडियो तरंगों की। अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, यह चल सकती है शीतकाल में। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? ये किया था राइट ब्रदर्स ने। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यह कहते हैं तरंग दैर्ध्य, लैम्डा कहलाता है। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर फिजिक्स पढ़ी है आपने तो। ये तरंग दैर्ध्य, तो 239 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य।
जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिमल की ध्वनि उत्पन्न होती है? यह होती है 30, लगभग 30 डेसिमल की। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो यह कौन सी प्राप्त की जाती है? यह की जाती है द्रव्यमान, F इज इक्वल टू एम ए। जिन लोगों ने अगर फॉर्मूला पढ़ा है तो उन्हें पता होगा F इज इक्वल टू एम ए। आगे देखें, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो यह बने होते हैं उत्तल लेंस से। किससे बने होते हैं? उत्तल लेंस से। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा। अगला प्रश्न है, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? तो ये खोजा था रदरफोर्ड ने। किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग लाया जाता है? तो यह लाया जाता है, किसका प्रयोग लाया जाता है? ये लाया जाता है एक्स किरणों का। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? यह होती है ओम, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगला प्रश्न है, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है। किस पर होती है? 0 पर। अगला प्रश्न देखेंगे, घर को, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो प्लीज़ इसे रोकिए और आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर बहुत धीमे धीमे करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है। इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, गलनांक कम होता है। आगे ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो यह नहीं है आयतन, आयतन। अगला प्रश्न हो जाएगा, बल का गुणनफल क्या है? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो आप देख लीजिए एफ इज इक्वल टू एम ए का मतलब क्या हो गया, मास और द्रव्यमान और त्वरण। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? यह कहीं पर भी नहीं देख सकते, यह नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पर भी नोट्स बना रहे हो इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर लिखते रहें। और कई बार अगर आपको पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उसको, क्योंकि देखिए कितने पीडीएफ आप लेंगे, कितने पीडीएफ आप रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई पीडीएफ हो तो आप रख सकते हैं, लेकिन हर किसी के पीडीएफ रखना बहुत मुश्किल है। तो क्या किया करिए, जितने क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते जाते हैं खुद के अपने नोट्स बनाइए। उसमें अगर जैसे आपने मेरे साथ पढ़ा तो यूट्यूब देखा तो आपको लगा कि मुझे इसमें से कुछ क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करिए और आप उन क्वेश्चंस को अपने जहां पर भी नोट्स हैं आपके आप उनको लिख लीजिए वहां पर। ऐसे से क्या होगा ना, सबका, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो सबका आपका मिश्रण बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और आपके नोट्स आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, वो ज़्यादा फायदा होगा। बजाय आप सारे के सारे नोट्स बनाएं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है और ना ही आप सबके पीडीएफ अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि डाउनलोड करने से कोई मतलब नहीं होता है, मेन होता है उसको पढ़ना और एग्जाम में उसे एग्जीक्यूट करना। तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। अगला प्रश्न है 256 में कह रहा है कि एक प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात क्या है? तो अगर इसको देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, टर्बाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो किस में करते हैं? यह करते हैं मैकेनिकल ऊर्जा को। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत क्या है? तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं अवतल दर्पण को, कितनी बार ये UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसके आविष्कारक थे रॉबर्ट वॉटसन। थर्मल बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारें पर की जाती है परत लगाई जाती है किस तरीके की? तो रजत की परत लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर? यह क्वेश्चन भी UPSC में पूछा गया है।
निम्न रंगों में विषम रंग को पहचानिए, तो भूरा रंग इसमें विषम है। लोलक की कालावधि जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है बताइए, इसमें जो अवधि निर्भर करती है वो करती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है, क्या आ जाता है, चंद्रमा। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में उपयुक्त होती है, तो कौन सी धातु उपयुक्त होती है, अगर इसके 268 में देखेंगे टंगस्टन उपयोग होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग अलग करने का तरीका क्या है, एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, प्रिज्म से ही रंगों को तो अलग किया जा सकता है, जैसा कि सब पढ़ते चले आ रहे हैं। ध्वनि का वायु में वेग का अनुपात क्या होता है, अनुमानतः 330 मीटर पर सेकेंड, क्या होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। अगला है, ठंडक के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़ों को प्रातः छुए तो क्या दिखाई देता, क्या समझ में आता है, लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा, अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, कौन से लेंस को हम काम में लेते हैं, ये लेते हैं उत्तल लेंस को। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं, यह होती हैं चंद्रमा से। सौर ऊर्जा में निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है, तो यह प्रयोग की जाती है, कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, अगर बताएं इसमें प्रयोग की जाती है, बी ऑप्शन जर्मेनियम इसमें प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करने का सिद्धांत है, यह सिद्धांत है पास्कल का नियम। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है, 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, एक्सेलरेशन किससे ज्ञात कर सकते हैं, a = v - u / t, ये रेलवे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है, तो यह होती तरंग और कण दोनों के समान होती है, ये अगर बात करें प्रकाश और कण दोनों के, ये प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, क्या होती है, दूरदृष्टि दोष से वाले व्यक्ति को क्या दिक्कत आती है, पास की वस्तुएं स्पष्ट देखने में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई जो होती है वो होती है ऊर्जा की। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक हुआ है ये है नाइट्रोजन की, 78% नाइट्रोजन उपस्थित है हवा में, वायुमंडल में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, यह किस वैज्ञानिक ने की थी, अगर बात करें तो यह की थी गैलीलियो ने। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यह होगी 50 सेंटीमीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10^12 ग्राम के। पारसेक इकाई किसकी है, दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है और देखते हैं, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है, तो यह होता है श्यानता के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो इसमें कौन सी राशि सदिश है, अगर हम बात करेंगे तो 290 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग। कार्य का मात्रक है जूल, क्या हो जाएगा, जूल। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो प्रभावित होते हैं वे क्या होते हैं, क्या क्या प्रभावित होते हैं, तरंग दैर्ध्य और वेग, आवृत्ति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले भी सारे पूछे जा चुके क्वेश्चन को ही मैंने इसमें डाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।